इस बंशी को पकड़ती हूं, ऐसा कहकर के जतला उस समय आई और सहसोपस्थितियों झपट करके श्री राधिका के हाथ से जटला ने बंशी ले ली और सामर्षण क्रोध करते हुए कह रही है कि आए दुर्विनीत गोपाल पुत्र के मुंच मुरल काम, छोड़ मुरली को, छोड़ मुरली को, छोड़ अरे दुर्विनीत गोपाल पुत्र का, अरे बालिन इस मुरली को छोड़, मुरली को छोड़, ऐसा कहकर के मुरली खींच लेती है। देखिए रस जो भारतीय नाट्य शास्त्र उसका मूल आधार माना गया है रस, जो पाश्चात्य नाट्य शास्त्र है उसमें मूल रस माना गया है स्ट्रगल, संघर्ष। संघर्ष कहां प्रारंभ होता है, संघर्ष कैसे बढ़ता है, संघर्ष कैसे समाप्त होता है, संघर्ष का कहां समाधान होता है, तो वहां पर जो नाटक का पूरा जो क्रम चलता है वो स्ट्रगल के ऊपर चलता है, संघर्ष के ऊपर चलता है। परंतु भारतीय जो नाट्य शास्त्र है, भारतीय नाटक, वो रस के ऊपर चलता है। अब संघर्ष रस को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से है, वहां पर केवल संघर्ष के लिए संघर्ष नहीं है बल्कि रस को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से संघर्ष है। तो यहां पर अब एक संघर्ष उत्पन्न हुआ कि बंशी जो थी उस बंशी को कहीं छीन लिया गया प्रतिपक्षी के द्वारा, जटला के द्वारा, और जटला जब बंशी ले गई तो ललता कह रही है कि हाथ प्रमाद, हाय हाय बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, कथम वृद्धया अतर्कितम मुरली आकृष्टा, इस वृद्धा ने तो एकाएक आकर के मुरली को खींच लिया, खिल लिया, अब क्या किया जाए। जटला जी कह रही हैं कि उस समय के एनाम खल भगवती पौर्णमासी दश्यामी, अब ठहर इस मुरली को ले जा करके मैं पौर्णमासी जी को ही दिखाऊंगी, सारी गांव की जितनी भी बूढ़ी गोपी हैं उन सबों को एकत्रित करके पंचायत करके पौर्णमासी जी को बुला करके वहां पर इस वंशी को पौर्णमासी जी के सामने मैं दिखाऊंगी, या मैं भरतम न प्रत्येति, मैं हजार बार पौर्णमासी जी से कह चुकी हूं कि नंद के लाला को रोक लो, नंद के लाला को रोक लो, परंतु मैं मेरे बात पर विश्वास ही नहीं करती हैं कि जबरदस्ती नंद लाल के ऊपर तू दोष लगाती है, राधिका के ऊपर दोष लगाती है, परंतु आज मेरे हाथ में प्रमाण मिल गया और मैं पूरी पंचायत के आगे अब इस वंशी को पौर्णमासी जी को कहूंगी और कहूंगी कि ये नंद का लाला हाय हमारी वधू को भी दूषण लगाने के लिए यहां आ गया और इसको रोकना चाहिए, पंचायत इकट्ठी करूंगी, तो मेरे वचन के ऊपर वो विश्वास नहीं कर रही है। पौर्णमासी जी कह रही हैं पुत्री वृंदे गहनम कष्टम आपत, ये तो बड़ी आफत आ गई, कष्ट की बात आ गई, पश्चिम जटला ममोट जन विषम प्रयाति, देख ये जटला मेरी कुटिया की ओर जा रही है मुझे ढूंढने के लिए, अब मैं तो यहां पे हूं, ये जा रही है कुटिया की ओर, अब क्या करूं। वृंदा जी बोली बोले भगवती मां चिंता है, चिंता मत करो, अभी कोई उपाय करती क्षिप्रम असो मुरली लुटियामी, मैं बिल्कुल चुटकियों में इस मुरली को देखना अभी लूट करके लाती हूं। वृंदा जी को नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी चुटकियों में मुरली को लूट करके लाती हूं, ऐसा कहकर के श्री वृंदा जी निकल गए। इतने में भय को धारण करती हुई श्री ललता जी कह रहे हैं बोले आगे अकस्मात अधिकम शंका से, क्यों झूठ में आशंका करती हो, यदेशा कालिंदी कुले अस्माभिर लब्धा, हमने इस वंशी को यमुना के किनारे पड़ी हुई थी, हमें तो यमुना के किनारे मिली है, आई चीज पड़ाई और धर कोने में खाई, हमको तो बाहर मिल गई, ये तो यमुना के किनारे तो हमने उठा ली, इसको केवल उत्साह में हमने उठा लिया, कोई हमने
कोई कृष्ण से हम थोड़ी मिली है, कृष्ण का तो हमने मुख भी नहीं देखा है अभी, और ये बंशी तो कहीं रखी हुई थी वो हमको मिल गई है। वैसे ही अब ये सखी का एक स्वभाव है कि श्री राधिका सखी के छिद्रों का आवरण करना, उसके दोषों को आवरण करना, ये सखी का प्रमुख स्वभाव है। उनकी एक सेवा में सखी की जहां सेवा वर्णन की गई वहां पर छिद्र संवृत्ति, ये श्री सखी का एक गुण है। और श्री ललिता जी उसी गुण को प्रकट कर रही हैं। श्री राधिका का जो दोष है उस दोष को ढांकने का प्रयत्न करना, छिद्र माने दोष, राधिका में जो दोष लगाया जा रहा है उसको ढांकने का प्रयत्न करना, छिद्र समृद्धि। तो छिद्र समृद्धि कह रही है हमको तो यमुना जी के किनारे मिली। श्री जटला जी कह रही है अरे चकले अरे दुर्मंत्रिणी तिष्ठ तिष्ठ, मैं सब तुझे जानती हूं, तुम सब एक सी हो, अरे ललिता तिष्ठ तिष्ठ ठाड़ी रह, मैं तेरी बात को नहीं मानती हूं, ऐसा कह रही। इतनी सुवल प्रवेश करते उसमें कहते हैं आगे जल्दी से हड़बड़ाते हुए सुबल आते हैं, बोले आगे आगे जटले देखो देखो दधि लंपटा मरकटी तब ग्रम प्रविष्टा, ये दही को की जिसको चाट लग गई है ऐसी एक कखटी बदरिया ये तुम्हारे घर में घुस गई, मैं अभी देख करके आया हूं। तो ये दधि लंपटा मरकटी तुम्हारे घर में घुस गई है, जटला साची ग्रीवम टेढ़ी गर्दन करके देखती है अपने घर की ओर, पीछे मुड़ करके गर्दन घुमा करके देखती है साची ग्रीवम और कह रहे हैं अरे सुवर सत्यम कठे सी, सच बोला है ना, मखट चोरणी नवनी चोरणी ऐसा मरकटी, ये बदलिया बड़ी बदमाश है, अनेक बार कई बार मेरे घर में आकर के ये माखन खा गई है, माखन की चोरी को, माखन चोरी को चुरा करके ले जाती है, अभी जाती हूं कभी ऐसा नहीं हो माखन ले जाए। तो बंशी बंशी तो सब भूल गई और बंशी को लेकर के ही ये इतने परावर्तित धावंती निष्क्रांता अपने एक घर की रक्षा करने के लिए ये जो गई। पौर्णमासी जी तुरंत कहती है कि नूनम वृंदया प्रेरित आस्ति कखटियम नाम जन मरकटी, जान गई बस एक मिनट समाप्त कर रहे हैं इस प्रश्न को कि ये कखटी नाम करके वृद्धा बदरिया है, जरूर वृंदा ने इस बदरिया को जटला के घर में घुसाया होगा, ये वृंदा की सभी चतुराई है। सुवर कहते हैं कि नानी मुखी पश्य प्रक्षिप्तेन वेरुणा मूर जटलया मरकटी ताड़ता, और बदरिया 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 भागो 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 मारियो मारियो पकड़ियो पकड़ियो, और ऐसा कहकर के जटला के हाथ में जो बंशी थी उस बंशी को इसने उस बदरिया के ऊपर मारा है। देख ये वृद्धा जटला बदरिया को बंशी से मार रही है। पौर्णमासी कहते हैं मजा आ गया आनंद हो गया, जैसे उसने मारी बदरिया ने बदरिया को बंशी, बदरिया ने पा बंशी को अपने हाथ में ले लिया और कूद फांद के वो तो जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गई, दूर चली गई, वहां पर रुकी नहीं और ले जाकर के बंशी को श्री वृंदा जी को दे दिया है, और वृंदा जी के माध्यम से बंशी वापस श्याम सुंदर तक पहुंच गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दृष्टिया मुल्लिम आदाय कखटीयम कदम अधिरूढ़ा सर्व प्रहर्षम नाते हंदी, सब प्रहर्ष आनंदित हो रहे हैं। सब उस समय श्री जटला कह रही हैं कि हाधिक वत्स सुवल हस्तान में मुरली गता, मेरे हाथ से बेटा मुरली छूट गई, मैंने मुरली से मार दिया, तस्मात्तम निर्मंथनम यामी, बेटा मैं तेरी बलिहारी जाऊं, मैं तेरी न्योछावर जाऊं, तेरी बलिहारी जाऊं, निर्मंथनम माने जैसे तेरी बलिहारी जाऊं, तू समर्पण में वंशी का वंशी को ला करके मुझे दे दे उस बदलिया से छुड़ा करके। सुबन कह रहे हैं आर्य यथार्थ नाम ऐसा कखटी, ये जो कखटी बदरिया है ये वास्तव में कठकनी है,
कटक नहीं बदलिया है, यथार्थ नाम बागी है। ये केवल भगनी पुत्रा विशाला विभेति, ये तेरे भगनी पुत्र भांजे विशाल से डरती है और किसी से नहीं डरती है। इस समय विशाल जो है वो गोवर्धन श्रृंग के पास में खेल रहा है, उनसे जाकर के कहे। ऐसे जब कहा तो वो जटला जो है वो कह रहा है, कह रही है जटला निष्कांत, बोलो अच्छी बात है जाती हूं। ऐसा कहकर जटला निकल गई। जटला जब चली गई तो बंदर ने, बदरिया ने, पौर्णमासी कहते हैं, जिस दृष्टिया ब्याजे ने जगती दूरम अपसार्य, बहाने से वृद्धा को दूर सरका करके, धूर तो यम भू भ्रमण ललताम तो रहती। ये सुवर बड़ा धूर्त है, ये ललता को कह रहा है आजा आजा आजा, ललता को अपने पास में बुला रहा है। और ललता को बुला करके ये वंशी जो है वो वंशी दे रहा है। ललता नेत्र प्राण पूर्णयंती, नेत्र आंख मिचका करके राधा से कह रही है, अभी सखे आ हम वंशी को ढूंढें। ऐसा कहकर के तो दृष्टिया अभिसारे थी मां, ऐसा कहकर के श्री ललता जी ने उस समय श्री राधिका को वंशी ढूंढने के बहाने श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराया। तो वंशी तो मिल गई उधर श्याम सुंदर के पास में, और ये बहाने से श्री सुवल और ललता ये श्री राधिका को कृष्ण के पास में अभिसार करा रहे। वृंदावन बिहारी लाल, ऐसे वंशी चोरी लीला उसका श्री विदग मारुंग गुरु को समझ। श्रीताय गौर हरि वो गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण, श्रीताय गो